तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, आपने देखा होगा। इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक के सत्ते भी दिखाई देंगे। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज मुझे संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा, और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हमारा मठ, हमारा मंदिर, हमारी उपासना विधि, हमारा शास्त्र, हमारे दर्शन, हमारी साधना पद्धति तभी संरक्षित हो पाएगी, तभी सुरक्षित हो पाएगी जब ये सनातन धर्म है और ये देश सुरक्षित है और बृहद हिंदू समाज सुरक्षित है। हमें इसके लिए कार्य करना होगा, लगातार कार्य करना होगा, प्रयास करना होगा, एक एक को जोड़ना पड़ेगा, एक एक को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। विभाजनकारी उन ताकतों को बेनकाब करना होगा जो केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए समाज को बांटना चाहती है, तमाम वादों के आधार पर बांटना चाहती है। उनके लिए राष्ट्र की कीमत पर राजनीति उनके लिए अभिष्ट हो गई, लेकिन हमारे लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है। राष्ट्र की कीमत पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। हमें चुनना होगा, पहले राष्ट्र को चुनेंगे, उसके लिए किसी भी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन उसकी कीमत पर कोई राजनीति स्वीकार्य नहीं है। लेकिन आज जिस प्रकार के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस प्रकार की बातें हो रही हैं, जिस प्रकार की चीजें चल रही हैं, आपने देखा होगा, इन सब के मुंह बंद है बांग्लादेश की घटना पर, कोई बोलना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें भय है अगर वो बोलेंगे तो उनके वोट बैंक के सत्ते भी दिखाई देंगे, उनके पैरों के नीचे की जमीन जिस पर वे लोग खड़े हैं, वे अंगारे उनको ही जलाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, और इसलिए वे मौन हैं, बोल नहीं सकते। जो लोग दुनिया के अंदर अन्य मुद्दों पर बोलते हैं, मुखर होकर के बोलते हैं, उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है, और इसीलिए हम सबको वर्तमान की चुनौतियों को देखना पड़ेगा। याद करना, 1947 के पहले बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, और 1971 में बांग्लादेश को बचाने में हमारे सैनिकों ने भी बलिदान दिया था, हजारों सैनिकों ने बलिदान दिया था। पाकिस्तान को मोटी खानी पड़ी थी, पाकिस्तान के 95,000 से अधिक सैनिकों को भारत के बहादुर जवानों के सामने समर्पण करना पड़ा था, और विश्व के इतिहास में किसी भी सेना की सबसे बड़ी विजय थी जो 1971 में भारत की सेना ने करके दिखाया। इसलिए हम सबको वर्तमान में अपने आप को उसके लिए तैयार करना होगा, देखना होगा, यह देश रहना चाहिए, सनातन धर्म हर हाल में रहना चाहिए, हमारी विरासत का हर हाल में संरक्षण होना चाहिए, और उसी विरासत के संरक्षण के दिशा ये विकास के कार्य उसके साथ जोड़े जा रहे हैं।
उसको आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।